तो ये आप देख सकते हैं डिगडियोल टनल का दूसरा वाला एंड जो कि मरोग वाली साइड रहने वाला है, और साथ में आपको इसी वीडियो में हम दिखा देंगे कट एंड कवर टनल कैनोपी। ये भी जो सेरी मरोग वाली साइड रहने वाली है, ये देख सकते हैं इस टनल का अपने दूसरा वाला एंड। डिगडियोल नाले मैंने काफ़ी बार दिखाया, बट इस एंड पर अभी कुछ मंथ पहले ही काम शुरू हुआ है, ये देख सकते हैं। और ये जिसकी मैं बात कर रहा कैनोपी की, और वीडियो में पूरा दिखाएंगे हम रामबन से अब बनिहाल वाली साइड जाते हुए जो टनल्स आते हैं, और जो भी आप कट एंड कवर टनल का ये काम देख सकते हैं इस वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम हुआ है, ये भी फोर लेन वाला रहने वाला है। टू ये एक लेन जो है टनल पहाड़ी के अंदर जो टनल जाता है उससे मिलेगी, और एक बाहर से जाएगी जो कि बाहर से पुराने रोड से जाते हुए दिख जाएगी। तो काफ़ी सिंगल ड्यू टनल्स भी देखने को मिलेंगे आपको, वो सब हम कवर करते हैं इस वीडियो में। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं रामबन फ्लाईओवर के एक एंड पे, देख सकते हैं ये आ जाता है पीछे फ्लाईओवर, यहाँ पे आ जाता है पुलिस का नाका, और यहाँ से आप देख सकते हैं बनिहाल रहता है 38 किलोमीटर, अनंतनाग 76 किलोमीटर। और अभी हम चलते हैं आगे, रोड की अपडेट देते हैं आपको। मैं फ़िलहाल अभी आपको बता दूँ नीचे वाला रोड जो है वो बंद है, क्योंकि नीचे वाले रोड पर आगे ब्लैक टॉपिंग वगैरह हो रही है, और ये आ जाता है मोड़ घोड़ी वाला एरिया, तो यहाँ पे पत्थर वगैरह गिरते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से चलना पड़ेगा, देख सकते हैं। ये पूरा बहुत ज़्यादा खतरनाक एरिया है, तो बाकी दूसरा वाला रोड नीचे से जाते हैं, तो यहाँ पे एक काम चलते रहता है, कभी आपको देखने को मिलेगा ऊपर वाला रोड बंद होगा नीचे वाला खोला जाएगा। अभी नीचे वाले का काम हो रहा है तो ऊपर वाला खुला है, चलते हैं आगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी वगैरह देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे काम हो रहा है। कभी शायद से सभी भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी, क्योंकि ये विंड नॉइज़ है, और जो मेरा वाइज़र रहता है वो अभी थोड़ा सा टूट चुका है, तो मैंने उसको ओपन ही कर दिया, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो बाकी सेरी वाला एरिया यहाँ से नीचे वाली साइड से आ जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रक्स वगैरह फुल स्पीड में चलते हैं, ये देख सकते हैं। पे भी नीचे वाली रोड का जैसे मैं पहले बता रहा था काम हो रहा है, काफ़ी गाड़ियां जो श्रीनगर वाली साइड से आती है ना वहां से आती हैं, तो उनको नहीं पता होता नीचे वाला लेन बंद है, तो वो अपने हिसाब से ओवरटेक करा करते हैं, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी नीचे वाली साइड में रोड का काम हो रहा है, तो भी हम यहाँ से रामबन से श्रीनगर वाली साइड से आगे बढ़ रहे हैं, और ये आ जाता है चंबा सेरी वाला एरिया। तो यहाँ पे जो ब्रिज का काम हुआ है वो भी हमने आपको दिखाया था, अब तो ब्रिज रेडी है, अब पता भी नहीं चलता कब आप ब्रिज के ऊपर से आ जाते हैं। तो नीचे वाली साइड सेरी आ जाता है, सेरी की छोटी सी मार्केट जो है पूरी बाईपास हो जाती है। ये देखते पहाड़ी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, यहाँ पे पत्थर वगैरह चलते रहते, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहता है एरिया। तो अब जब नीचे वाला रोड ओके हो जाएगा ना, उसके बाद जो रहने वाला है ऊपर वाले रोड का भी काम हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे इसका पोल्यूशन भी बनाना था, देखते हैं अगर पोल्यूशन वाली शॉप खुली होगी तो बना देते हैं। तो यहीं कहीं पे है पोल्यूशन वाली शॉप, कंट्रोल सर्टिफिकेट। अब निकलते हैं यहाँ से आगे वाली साइड के लिए, और दिखाते हैं आपको रोड का क्या अपडेट है। तो यहाँ पे अभी हमें सेरी वाली साइड में, यहाँ पे भी नीचे वाले रोड का काम हो रहा है, ये देख सकते हैं।
बढ़िया है। तो यहाँ पे आपको सिंगल ट्यूब टनल्स देखने को मिलेंगे। तो आ जाता है ये पहला सिंगल ट्यूब टनल, जो एक रोड है वो नीचे से आने वाली है, उसमें थोड़ी सी स्लाइड आई है, उसका भी काम हो रहा है, ये देख सकते हैं। तो अभी टनल की लाइट्स बंद है, चल रहे हैं टनल के अंदर से। तो टनल के बाहर ही आ जाता है ब्रिज, और नीचे वाले रोड का देख सकते हैं यहाँ पे काम हो रहा है, जिसके कारण से नीचे वाला रोड अभी फिलहाल के लिए बंद है। ये देख सकते हैं पीछे वाली साइड में थोड़ी सी स्लाइड आई और नीचे ब्लैक टॉपिंग वगैरह का काम हो रहा है। तो चलते हैं आगे। और यहाँ भी देख सकते हैं दूसरी ट्यूब आ जाती है, और यहाँ पे एक लेन नीचे से आने वाली है, जिसका अभी काम हो रहा है, तो अभी फ़िलहाल बंद है। कुछ टाइम पहले नीचे वाली लेन ओपन थी, बट अभी फिर से बंद कर दी गई है। तो इस वाले टनल में लाइट्स ऑन है, पीछे वाले में लाइटिंग का काम हो चुका है, बट पता नहीं क्यों लाइट्स बंद थी। तो इसके बाहर से सीधा हम आ जाते हैं कटर कवर टनल्स में, ये देख सकते हैं ये रहने वाला है कैनोबी कट एंड कवर टनल, जो कि फोर लेन वाला रहने वाला है। नीचे वाली जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अभी रोड बंद रखी गई है, ये देख सकते हैं क्या खूबसूरत लग रहा है। चलते हैं और आगे। और यहाँ पे भी नीचे वाली साइड में रोड बंद ही है, क्योंकि नीचे वाली साइड में रोड का काम हो रहा है। तभी थोड़ा आगे जाके मरोग टनल आ जाता है, वो भी जो रहने वाला है सिंगल ट्यूब टनल रहने वाला। तो ये जो तीन टनल्स रहने वाले हैं सिंगल ट्यूब भी रहने वाले हैं। कुछ ही देर में अभी आपको दिखाते हैं मरोग वाला टनल, डस्ट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो गाइस ये रहने वाला मरोग टनल सिंगल ट्यूब, नीचे वाली साइड में यहाँ पे काम हो रहा है नीचे वाली लेन का, ऊपर वाली लेन खुली है। और अभी जितना भी आने जाने वाला ट्रैफिक है जम्मू से श्रीनगर है या श्रीनगर से जम्मू है, वो सब ऊपर वाले रोड से जा रहा है। तो यहाँ पे भी लाइटिंग का काम हो चुका है, बट अभी फिलहाल लाइटिंग बंद है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के जो डिगडोल टनल, जो डिगडोल नाला से इसका काम शुरू हुआ है, उसका काम इस साइड से भी शुरू हो चुका है। तो मैं दिखाता हूँ इस साइड से कहाँ पे शुरू हुआ और क्या काम हो रहा है उसका, ये देख सकते हैं। तो ये हम आ रहे हैं अभी टनल के बाहर, और डस्ट काफ़ी ज़्यादा है,
और यहाँ पे भी नीचे वाली साइड में काम हो ही रहा है। ये देख सकते हैं नीचे वाली साइड में बजरी वगैरह रखी गई है और नीचे वाले रोड का भी काम हो ही रहा है। ये देख सकते हैं इसको तोड़ के फिर से रिपेयर करके बनाया जा रहा है। तो यहीं ऊपर वाली साइड में डिगडोल टनल का काम हो रहा है, मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा, पर नहीं यहीं से दिखा देंगे आपको। तो वो देख सकते हैं वो रहने वाला है डिगडोल टनल का दूसरा वाला एंड। तो बाइक को हम पार्क करते हैं उस वाली साइड में। तो गाइज ये रहने वाला डिगडोल टनल के जो इस साइड से काम अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू हुआ है, उस वाली साइड से मैंने आपको काम काफ़ी बार दिखाया है। और ये वाला टनल जो लगभग 4 किलोमीटर तक रहने वाला है, अप्रॉक्स 4 के आसपास ही रहने वाला है, ये देख सकते हैं। तो इसका काम यहाँ से शुरू हो चुका है। अभी फ़िलहाल यहाँ से तो सिंगल ट्यूब ही दिखाई दे रही है, ये देख सकते हैं। गाइज ये रहने वाला डिगडोल टनल का दूसरा वाला एंड। सामने पीछे आ जाता है मरोग टनल और उसके बाद ये आ जाता है डिगडोल टनल। तो ये सीधा निकलेगा डिगडोल नाले में। अभी इसका इस वाली साइड से काम अभी शुरू हुआ है, डिगडोल वाली साइड से काम शुरू हुए काफ़ी मंथ्स हो गए। तो ये देख सकते हैं जिसके खातिर हम इधर तक आए, हम वहाँ उस वाली एंड से मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया। तो इस वाले एंड से जो नया नया काम शुरू हुआ है इस बार हम आपको वो दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं। बाकी यहीं पीछे आ जाता है ठीक मरोग टनल जैसा कि आपको दिखाया मैंने। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।